सावन महीने के दौरान आज टोंक में सर्व समाज द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। शहर के छावनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मनसापूर्ण महादेव मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस भी मौजूद रही। पहली बार सनातन संस्था के द्वारा टोंक के अंदर एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। निश्चित अपने आप में ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा हमेशा हर वर्ष निकलती है, लेकिन इस वर्ष इस शहर के युवाओं ने संपर्क कर इतनी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा निकाली है। लगता है कि आज पूरा शहर धर्ममय हो गया, भोले का शहर हो गया, ऐसा वातावरण पूरे शहर के अंदर लगा है। और माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, व्यापारी सब सड़कों पर उतरकर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित ये लगता है आने वाला समय सनातनियों का परचम इस देश दुनिया के अंदर फैलने वाला है।